Attention guys, click the subscribe button for more videos and press the bell icon for latest updates. Thanks for your attention. What's up guys, this is Saadam Siddiq again and welcome to iTech Sky. Another video, another topic. Topic बहुत ही special है, इस video में मैं आपसे discuss करूँगा कि WhatsApp का जो डिलीट मैसेज का फ्यूचर है उसके बारे में कुछ फैक्ट है जो कि आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा. लोग नर्वस है ये क्या हो रहा है. अब इन दैट केस कि मैं किसी OG, GB, WhatsApp या बीटा वर्जन की मैं डिस्कस नहीं करूँगा. मैं ऑफिशियली WhatsApp को जो नवंबर के मिड में ये फ्यूचर लॉन्च हुआ है कि आप अपने भेजे गए मैसेजेस को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये बात है कि जब आप कुछ देर बाद अपने WhatsApp को रीओपन करते हैं तो आपको वो मैसेज का ऑप्शन डिलीट करने का नहीं मिलता. तो चलिए इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड. सो गाइस, इन सितंबर में ये ट्रेंड हो गया था कि WhatsApp इन सून ऐसा फ्यूचर प्रोवाइड करेगा जिसकी बेस यानी कि जिसका ये फ़ायदा होगा कि आप अपना मैसेज रिकॉल कर सकते हैं. पूरा सोशल मीडिया इस चीज़ से भर चुका था. इन अक्टूबर लोगों ने ट्रिक फाइंड की, लोगों ने आपसे शेयर की कि OG या GB WhatsApp के ज़रिए इनके जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप अपना मैसेज रिकॉल यानी कि डिलीट कर सकते हैं बड़ी आसानी से. आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि इन अक्टूबर बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड रहा और अक्टूबर के लास्ट पर बीटा वर्जन, जो WhatsApp का बीटा वर्जन है, उस पर लॉन्च कर दिया गया. नवंबर का स्टार्ट कह सकते हैं, अक्टूबर का लास्ट कह सकते हैं आप, उस पर बीटा वर्जन है जो उस पर लॉन्च कर दिया गया कि आप उसके बीटा वर्जन को यूज़ कर, व्हाट्सएप के बीटा वर्जन को यूज़ करके आप इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं. बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया, लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर कर, बीटा वर्जन हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है. लाइक सऊदी अरेबिया, लाइक दुबई, और भी बहुत मैनी कंट्रीज है, अदर कंट्रीज है जिधर बीटा वर्जन अवेलेबल नहीं है. ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है. बीटा वर्जन के बाद नवंबर के मिड से पहले व्हाट्सएप ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया, यानी कि उसके ऑफिशियल व्हाट्सएप पे डिलीट का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दिया गया. ये एक बहुत ही गुड साइन था और किसी नेमत से कम नहीं था. इन दैट केस बहुत सारे लोगों ने डिलीट तो किए, लेकिन कुछ यहाँ पे रीजंस ये मिली कि जब आप अपना मैसेज डिलीट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे अपनी बात को मैं एग्जांपल में कन्वर्ट कर देता हूँ. मैं अपने एक फ्रेंड से चैट कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड से चैट करते हुए मेरे से एक मैसेज रॉन्ग चला गया जो कि मुझे नहीं भेजना था. इन दैट केस मैं उस मैसेज को अब डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं डिलीट उसी टाइम, राइट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उसी टाइम डिलीट करूँगा. जैसे ही मैं डस्टबिन पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे, डिलीट फॉर मी पहला, दूसरा कैंसिल, तीसरा डिलीट फॉर एवरीवन. दिस इज़ अ गुड साइन. डिलीट फॉर एवरीवन का मीनिंग है कि मैं इस मैसेज को अपनी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी डिलीट कर देना चाहता हूँ. तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरा मैसेज डिलीट हो जाएगा कम्प्लीटली तौर पर, इट्स कम्प्लीटली फाइन. एंड अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसको हाफ आवर बाद या बाद में कभी कर लेता हूँ, मैं कुछ देर बाद समटाइम्स बाद इसको डिलीट कर देता हूँ, तो इन दैट केस मैं हाफ एन आवर बाद व्हाट्सएप रीओपन करता हूँ और उसी चैटिंग पे जाके उसी मैसेज को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मुझे डस्टबिन पे क्लिक करते ही ये ऑप्शन दिखाई देता है, डिलीट फॉर मी या कैंसल, यानी कि वो ऑप्शन गायब हो जाता है डिलीट फॉर एवरीवन. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि व्हाट्सएप ने ये जो आपको फीचर प्रोवाइड किया है ये राइट टाइम और करंट सिचुएशन पे है. जब आप करंटली किसी से चैट कर रहे हैं तो आपसे अगर कोई रॉन्ग मैसेज चला गया है या उसके देखने से पहले आप उसको रिमूव कर सकते हैं. ये नहीं कि आप इसको हाफ एन आवर, आवर बाद या कुछ डेज बाद आप इसको डिलीट करें, आप इसको राइट टाइम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. इंटरनेट पे अगर आप सर्च करें तो आपको यही आंसर मिलेगा, यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है. आप मेक श्योर रहिए जब आप WhatsApp यूज़ करते हैं और आपसे कोई रॉन्ग मैसेज चला जाता है तो आप कोशिश करिए उसी टाइम ही करंट टाइम पे उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको फिलहाल आपको बाद में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी. आप उस मैसेज को अपनी तरफ से डिलीट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड की तरफ से नहीं, वो मैसेज वो किसी टाइम भी रिसीव कर सकता है. सो गाइज, यही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था. आई होप सो आपने इस वीडियो को पसंद किया हो पहले की वीडियोज़ की तरह. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट कीजिए. अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है, मैं आपका रिप्लाई करूंगा. और गाइस, सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब, हमें जल्द 10,000 की बाउंटी कंप्लीट करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड मेरे सोशल नेटवर्क्स पे विजिट कीजिए, माय ऑल सोशल नेटवर्क्स, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन लास्ट आई विल से थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग.